2019 में मैंने एशिया में गोल्ड मेडल लिया था। अभी फिलहाल मैं रिसेंट तुर्की में जाके आया वर्ल्ड खेलने के लिए, तो वहां पे फोर्थ प्लेस आया मुझे। 9 टाइम मिस्टर इंडिया हूँ। बॉडी बिल्डिंग गेम ऐसा है ना कि आपको 6 मंथ पहले प्रिपरेशन करना होता है कि 6 मंथ के बाद आपको स्टेज पे जाना है, तो हर 1 महीने के बाद में आपको डाइट चेंज करना होता है और लास्ट के 2 या 3 मंथ्स होता है, तो वो तो मतलब पूछो ही मत। धीरे धीरे कार्ब कम होते जाता है, धीरे धीरे शुगर कम होते जाता है, फिर लास्ट के 15 डेज तो एकदम टास्क भरे होते हैं पूरे। विमेन बॉडी बिल्डिंग एक चैलेंजिंग गेम है। हाय गाइस, वेलकम टू द शो चर्चा चौराहा प्रेजेंटेड बाय कुफ्टेल्स। मेरा नाम है गीतू राठौर, इस शो की प्रोड्यूसर और आपकी होस्ट। हेल्दी लाइफ और फिट बॉडी किसे नहीं चाहिए? वेल, इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर विलास पाटिल से, जो मिस्टर इंडिया और मिस्टर एशिया जैसे कई अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद हिम। हेलो विलास सर, वेलकम टू द शो चर्चा चौराहा। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, सो आपने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, बहुत सारे अचीवमेंट्स रहे हैं। आप मुझे थोड़ा बताइए क्या क्या अवार्ड्स अभी तक आपके बिग अचीवमेंट्स में आते हैं? बिग अचीवमेंट्स में आता है एक एशिया, 2019 में मैंने एशिया में गोल्ड मेडल लिया था। अभी फिलहाल मैं रिसेंट तुर्की में जाके आया वर्ल्ड खेलने के लिए, तो वहाँ पे फोर्थ प्लेस आया मुझे तुर्की में। 27 कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। Nice. और मिस्टर इंडिया 9 टाइम मिस्टर इंडिया हूँ। वाओ। हाँ, और 17 इयर्स का एक्सपीरियंस है टोटल इस फील्ड में। ओके, ऐसा है। Nice. और बाकी छोटे मोटे आप लेवल्स कॉम्पिटिशन, बहुत सारे कॉम्पिटिशन खेला हूँ मैं। थाना डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल, नेशनल। तो बहुत सारे अचीवमेंट्स है जैसे आप देख पा रहे हो। हाँ। और बहुत सारे कि जिम पे भी रखे ट्रॉफीज। हाँ, तो वही एक्सपीरियंस अभी भी ले रहा हूँ मैं और सीख रहा हूँ कुछ नया। अच्छा, सो नाइस। तो आपकी ये जर्नी का स्टार्ट कहाँ से हुआ था? मेरा ये जर्नी स्टार्टिंग में बेसिकली मैं ड्राइविंग करता था। ओके। फिर ड्राइविंग मैंने 4-5 साल किया। मैंने देखा कि उसमें इनकम हो रही है लेकिन सेविंग कुछ नहीं हो रही है। हाँ। मैं घूमा बहुत सारे जगह पे। हाँ। मैंने एक्सप्लोर किया बहुत जगह, गोवा से लेके बैंगलोर, मैंगलोर, बहुत जगह लंबा लंबा टूर पे जाता था मैं। ड्राइविंग मतलब क्या ड्राइव करते हैं? मैं कार ड्राइव करता था, टूरिस्ट गाड़ी। ओके। हाँ। अच्छा। तो बहुत सारी जगह पे घूमा लेकिन देखा कि सेविंग नहीं हो पा रहा है, घूमना बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। तो मैंने बोला कि अभी ये जब तक हाथ पैर अच्छे तब तक ये ठीक है, उसके बाद क्या करूंगा, तो अभी से ही फील्ड चेंज करनी होगी। तो मैं एक जिम में, जीके जिम था हमारे यहाँ पे काटे मरोली नाके पे, वहाँ पे मैं फ्री में ट्रेनिंग देने लगा। Okay. एक 1.5 से 2 साल मैंने फ्री में ट्रेनिंग दिया। अच्छा। खुद एक्सरसाइज का पहले से क्रेज था। हाँ। एक्सरसाइज करता था और फ्री में गाइड करता था, ट्रेनिंग देता था। Okay. देन उसके बाद में मेरा गाड़ी था स्कॉर्पियो, वो बेचा। Okay. और मेरी ज्वेलरीज थी वो बेची और खुद का जिम डाला। ओके। और उसके बाद में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। अभी जैसे बॉडी बिल्डिंग के कॉम्पिटिशन अलग अलग लेवल्स में होते हैं, तो ये जो अलग अलग लेवल्स होते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है, और जजिंग क्राइटेरिया भी शायद होते हैं कुछ अलग अलग, तो उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। जैसे बॉडी बिल्डिंग फील्ड में आप जाते हो तो स्टार्टिंग में होता है, आप अगर फ्रेशर हो तो नवोदित होता है, नवोदित कॉम्पिटिशन होता है जो नए बच्चों के लिए होता है। अच्छा। फिर बाद में एक होता है आप जहाँ पे रह रहे हो, मतलब लोकलाइज। हाँ। हाँ। जैसे तालुका लेवल हो गया, जैसे कल्याण तालुका है तो तालुका लेवल हो गया। ओके। यहाँ से आप जाते हो डिस्ट्रिक्ट में तो थाना डिस्ट्रिक्ट हो गया। अच्छा। फिर थाना डिस्ट्रिक्ट से आप जाते हो स्टेट में। ओके। फिर ये होता है कि आप 1 से 3 मेडल में आना चाहिए, गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज, तो आपका सिलेक्शन आगे लेवल पे होता है। तालुका से आप आते हो डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से आते हो आप स्टेट, स्टेट से आते हो आप नेशनल। तो ये 1 से 3 में अगर आप मेडल्स में आ रहे हो तो आपको आगे बढ़ने का चांस होता है। अच्छा। तभी आप नेशनल खेल पाते हो। ओके। और तो जो जजिंग क्राइटेरिया होते हैं वो किस हिसाब से जज करते हैं? जजिंग का देखो कैसा होता है कि इसमें कोई ऐसे मतलब मार्क्स नहीं है कि बाइसेप को इतना है, लेग्स को इतना है, लेकिन 60% मार्क्स लेग्स को होते हैं, अपर बॉडी को 40% होता है।
आपका सिमेट्री कैसा है बॉडी का, okay. आपका लेग्स, आपका शोल्डर, बाइसेप, कोर, आपका कैसा बॉडी स्ट्रक्चर दिख रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने शार्प हो, आपकी मसल कितने डिफाइन है, देन कितने फाइबर्स है उसमें, आपने क्या वर्क किया है, तो वो बॉडी से पता चलता है. तो जब भी कॉम्पिटिशन में आप स्टेज पे ऑयल लगा के या तो टैनिंग क्रीम लगा के जाते हो और सबके साथ में खड़े होते हो, अलग खुद को अलग, मतलब अकेले को देखना अच्छा ही लगता है, लेकिन चार लोगों के सामने आप जब खड़े होते हो तो पता चलता है कि आप क्या लेवल पे हो. तभी आपके क्वालिटीज डिफरेंट दिखने लगती है, क्योंकि वो शार्प है, मैं थोड़ा बल्की हूँ, मेरे बॉडी ने वाटर होल्ड किया है, तो वो फटाक से समझ में आता है, तो उससे जजिंग होता है सर. अभी जैसे आपने बताया है कि वो बॉडी के सिमेट्रिक पे भी डिपेंड करता है, तो हर किसी का बॉडी एक अलग बॉडी का टाइप होता है, तो उसका ऐसा अलग अलग वर्कआउट्स भी होते हैं क्या? हाँ, डिपेंड करता है, अगर किसी का ट्राइसेप वीक है, किसी का लेग्स वीक है, किसी का शोल्डर वीक है, तो उसको उसके ऊपर फोकस करना होता है. तो वीक में दो बार उसे ट्रेन करना होता है, क्योंकि उसको डेवलप करना है. सबसे पहली बात होती है डाइट, सेकेंड होता है रेस्ट, और थर्ड नंबर पे आती है एक्सरसाइज. ओके, ठीक है. तो अभी आपने ये भी कहा कि टैनिंग क्रीम के बारे में, पहले मुझे लगता था सरसों का तेल लगाते हैं. सच में मुझे यही लगता था कि सरसों का तेल है जो मस्त लगाया तो वो इसलिए ऐसा शाइन कर रहा है. मुझे अभी कुछ टाइम पहले ही पता चला कि वो टैनिंग क्रीम होता है, तो वो मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, पेस्ट होता है क्या कुछ? वो एक्चुअली मतलब जो टैनिंग क्रीम बनाते हैं, जैसे मुंबई में है अनिल राउत, उनका एक टैनिंग क्रीम है, फिलहाल वही चलता है सब जगह. अच्छा, पे क्वालिटी अच्छी है. okay. तो बोलते हैं कि वो लिपस्टिक से बना हुआ होता है. okay. तो वो क्रीम का डब्बी होता है, उसको okay. आप हल्का सा दो तीन ऑयल ड्रॉप डालो उसमें, मिक्स करो अच्छे से और बॉडी पे लगाओ. okay. तो वो जैसा आप लगाते हो वैसा वो बॉडी पे लगता है और वो शाइन करता है. okay. उसके बाद में एक रोलर आता है, जैसे पेंट करने के बाद एक रोलर घुमाते हैं, वैसे रोलर घुमाओगे तो जो भी लाइंस आती है बॉडी पे हाथ घुमाते उस टाइम पे, तो वो सब क्लियर हो जाता है और शाइन. अच्छा. करता है, ग्लो करता है. okay. ऐसा है. स्टार्टिंग में हम लोग तेल ही लगाते थे. हाँ. फिर बाद में क्रीम सा है तभी. okay. फिर थोड़ा सा इनकम बढ़ गया तो फिर हाँ बाबा अफोर्ड कर सकते हैं, क्रीम ले सकते हैं. okay. तो क्रीम लगाना स्टार्ट. एक्सपेंसिव होता है क्या? नहीं, इतना भी एक्सपेंसिव नहीं होता, लेकिन स्टार्टिंग में तो उतना हाँ, भी लगता था कि बाबा बहुत महंगा है. राइट राइट राइट. पर्सनल लाइफ में स्ट्रेस रहता है, प्रेशर आता है, तो इसमें मेंटल स्टेट और इमोशनल स्टेट को कैसे हैंडल करना चाहिए? कॉम्पिटिशन फेज में ये चीजें बहुत मैटर करती है. सबसे पहले तो आपको आपके घर से सपोर्ट अच्छा सा होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि ये फील्ड क्या है, ये गेम क्या है. तो घर से मुझे तो उतना स्ट्रेस नहीं मिलता है, क्योंकि वो मुझे सारी चीजें बताते ही नहीं है कि मुझे उससे प्रेशर आए. तो बहुत सारी चीजें होती है कि जो मुझसे छुपाई जाती है कॉम्पिटिशन पीरियड में, कि ये टेंशन ले लेगा, फिर इसके गेम पे असर गिरेगा, ये सब चीजें. और जो रहता है कि आप इमोशनली, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि किधर मेरा अनबैलेंस हो रहा है, तो फिर मैं हेडफोन डाल के मैं भोलेनाथ के सॉन्ग सुनता हूँ. अच्छा. तो मुझे वहां से मोटिवेशन मिलता है. okay. और मुझे इंस्पिरेशन मिलता है. और वर्कआउट के टाइम हो, ट्रैवल के टाइम पे हो, मैं किसी और चीजों के ऊपर ध्यान ही नहीं देता हूँ. तो एक ही फोकस रखता हूँ, एक्सरसाइज करना है, डाइट करना है, रेस्ट करना है, घर पे आना है बस. नाइस. तो विमेन इन बॉडी बिल्डिंग, उसमें आपके व्यूज क्या है? विमेन बॉडी बिल्डिंग एक चैलेंजिंग गेम है, क्योंकि अभी फिलहाल तो इंडिया में उतने फीमेल्स रेडी नहीं हो रहे थे. अभी फिलहाल ये दो साल से तीन साल से बहुत अच्छा ग्रो मिल रहा है, बहुत सारी फीमेल्स आ रही है इस फील्ड में, पहले तो बहुत कम थे. उसमें भी क्राइटेरियाज होते हैं बहुत सारे. उसमें भी लेवल्स होती है, जैसे एक बिकनी हो गया, फिगर हो गया, उसके बाद में और दो तीन कॉम्पिटिशन्स होती है उनकी. तो हर एक में अलग अलग उनका क्राइटेरियाज है. जैसे बिकनी में आपको मसल्स नहीं दिखाने हैं, बॉडी प्रॉपर शेप में होना चाहिए, कर्व में होना चाहिए, बॉडी फैट परसेंट नहीं होना चाहिए, बॉडी का स्किन टाइट होना चाहिए. और बॉडी बिल्डिंग हो गया तो जैसे कि मसल्स दिखाने हैं, जैसे बॉडी बिल्डर्स दिखाते हुए. तो उसे हर एक कॉम्पिटिशन का हर एक टाइप होता है. तो उस हिसाब से उनको प्रिपरेशन करना होता है, लेकिन बहुत चैलेंजिंग होता है वो. क्योंकि फीमेल्स अगर हम एक साल एक्सरसाइज करते हो तो जो मसल हम लोग गेन करते हैं, अचीव करते हैं, वुमेन्स के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, उनको वो दो साल तीन साल के बाद वो
उतना डेवलप कर पाते हैं बॉडी बिल्डिंग फील्ड में, बॉडी बिल्डिंग वुमेन्स में। तो उनके लिए वो बहुत चैलेंजिंग होता है, बहुत हार्ड वर्क होता है, उनको अलग अलग टाइप्स के प्रोटीन और वो सब चीजें कैलकुलेशन वाइज जाना पड़ता है पूरा। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो और मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, हम दोनों साथ में जिम में जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, 6 महीने हो गए मेरे, आप बोलोगे अरे बॉडी में बहुत चेंजेस है, डोले शोले बन गए, थोड़ा अच्छा दिख रहा है, आपकी बॉडी में चेंजेस नहीं है ऐसा आपको लगेगा, लेकिन आपके मसल्स डेवलप नहीं हो रहे, आपका इंच लॉस हो रहा है, आपका फैट लॉस हो रहा है, आपकी स्किन पतली हो रही है, तो ये चेंजेस होते हैं फीमेल्स में, क्योंकि मेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है, फीमेल्स में एस्ट्रोजन लेवल हाई होता है, तो वो डिफरेंट चीज है। आप कितना भी एक्सरसाइज कर लो, कितना भी हार्डवर्क कर लो, मेरे जैसे मसल्स उतने टाइम में तो नहीं बना सकते हो, क्योंकि वो बॉडी टाइप अलग होती है, हार्मोन्स लेवल अलग होते हैं फीमेल्स के। हाँ, वो शेप में आ जाएगी, स्किन पतला हो जाएगा, बॉडी टोन हो जाएगा, लूज फैट है उसको स्टिफ कर लेंगे, ये बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, और बस उनको उतना ही चाहिए होता है। सो ट्रेनिंग के दौरान मोस्ट कॉमन इंजरीज क्या होती हैं जिसको अवॉइड किया जाता है? तो बहुत सारे लोग है ना ईगो लिफ्टिंग करते हैं, अभी मैं भी बहुत सारे जिम्स में जाता हूँ एक्सरसाइज के लिए, तो देखता हूँ कि यूट्यूबर्स को बहुत फॉलो करते हैं, यूट्यूब में दिखाया जाता है ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वो गलत दिखा रहे, लेकिन अगर मुझे, मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है और मुझे डेली एक्सरसाइज रूटीन डालने है तो मैं वैरायटी रूटीन डालूंगा, क्योंकि मुझे यूट्यूब चैनल चलाना है, मुझे इनकम आनी चाहिए, तो वहां पे मैं अगर कुछ अलग डालूंगा तो ही मेरा चैनल चलेगा और तभी वीडियोस में व्यूज आएंगे, सेम पैटर्न में रोज डेली डालूंगा तो नहीं चलेगा, ये बच्चों को समझ में आना चाहिए कहाँ पे क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले आप जो वीडियोस देखते हो फिटनेस मॉडल्स की, तो उनको देखो, उन्होंने प्रॉपर शूज पहने हैं, पानी का बॉटल कैरी करते हैं, प्रोटीन पीते हैं, उनका जिम का बैग कैरी होता है। तुम उठ के आ जाते हो ऐसे ही विदाउट शूज जिम में, तुम स्लीवलेस नहीं पहन रहे हो, कुछ नहीं, बनियान टी शर्ट पे एक्सरसाइज कर रहे हो, चलो वो हर एक की कैपेसिटी होती है, वो मैं मान लेता हूँ, लेकिन एटलीस्ट वो कितना डाइट कर रहे हो, वो कितना वाटर इंटेक कर रहे हैं, क्या फूड खा रहे हो, चलो उतना भी आप फूड नहीं खा पा रहे हो, आपका घर से उतना बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन आप एटलीस्ट वो 100% दे रहे, आप 20% तो दो, लेकिन वो सब देखने के बजाय आप सिर्फ देखते हो उसने क्या वर्कआउट किया है। बहुत सारे ऐसे मूवमेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइज होती है कि जो बिगिनर्स के लिए नहीं है। हाँ, बिगिनर्स के लिए बेसिक एक्सरसाइज होता है, उससे आप स्टार्ट करो तो आपको ग्रो जल्दी मिलेगा, लेकिन मैंने बहुत सारे जिम में देखे नए बिगिनर्स जो यूट्यूब से देख के आते हैं और कुछ ना कुछ अलग अतरंगी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे डेडलिफ्ट से लेके बहुत सारे एक्सरसाइज होती है जो बैक उनका कर्व हो रहा है, उनको समझ में भी नहीं आएगा, आज एज कम है उनका, उनका बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है, रिकवरी फास्ट है उनकी, उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई, इसके लिए वो इंजरीज बहुत कम होती है, लेकिन अगर इंजरी हो गई तो बस उनको मतलब ना टॉयलेट की बकेट तक उठाने का तकलीफ हो जाएगा अगर बैक की इंजरी हो गई तो उनको, मुझे ये नहीं लगता कि इनको ये समझता क्यों नहीं है। तो वो सब चीजें है कि उससे इंजरीज से आप बच सकते हो, ईगो लिफ्टिंग मत करो, आप बेसिक के ऊपर ध्यान दो, जो आपका बेस स्ट्रांग होगा तो आप आगे फ्यूचर में बहुत लंबे तक जा सकते हो। बॉडी बिल्डिंग गेम ऐसा है ना कि आपको 6 महीने पहले प्रिपरेशन करना होता है कि 6 महीने के बाद आपको स्टेज पे जाना है, तो हर 1 महीने के बाद में आपको डाइट चेंज करना होता है और लास्ट के 2 या 3 महीने होता है, तो वो तो मतलब पूछो मत, धीरे धीरे काप कम होते जाता है, धीरे धीरे शुगर कम होते जाता है, फिर लास्ट के 15 डेज तो एकदम टास्क भरे होते हैं पूरे, क्योंकि उसमें आपका 0 लेवल काब हो जाता है, एकदम माइनर जो फ्रूट्स में मिलता है उतना ही, तो वो सब चीजें आपको फेस करनी होती है और उससे आपको गुजरना होता है, तब आप परफॉर्मेंस कर पाते हो स्टेज पे 100%। तो बहुत अलग गेम है ये बॉडी बिल्डिंग और बाकी सब गेम, तो यहाँ पे डाइट 100% देना होता है आपको, तभी आप परफॉर्मेंस कर पाते हो। तो डाइट में मतलब अगर कोई स्टार्ट कर रहा है ये जर्नी, तो उनको डाइट में क्या फोकस करना चाहिए? अगर कोई बिगिनर है और स्टार्ट कर रहा है, तो मैं उनको हमेशा यही सजेशन देता हूँ, मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं टेक्स्ट आते हैं इंस्टाग्राम पे कि सर हमें डाइट बता दो, तो मैं उनको यही बोलता हूँ जो मैं स्टार्टिंग में खुद करता था कि अपने घर में जो बना हुआ है, जो घर का बना हुआ है, उसे आप डिवाइड करके कम से कम 6 या 7 बार खाओ, हर 2.5 घंटे के डिस्टेंस के बाद में 1 मील होना चाहिए, तो आप उसे डिवाइड करो, आप अगर एक टाइम पे 4 चपाती खा रहे हो तो उसकी जगह पे आप 2 खाओ,
दो ढाई घंटे के बाद में वापस दो चपाती खाओ, सब्जी आपके ऊपर है, उसमें हो सके तो दो एग व्हाइट ऐड कर लो, अगर नहीं हो रहा है तो एक ऑमलेट पूरा ओल एग का और एक एग व्हाइट ऐसा ऐड करो, तो एटलीस्ट आपके बॉडी में एग व्हाइट तो जा रहा है, प्रोटीन तो जा रहा है काप के साथ में, और हो सके पॉसिबल तो 100 ग्राम सवेरे 100 ग्राम शाम को चिकन खा लो, नहीं हुआ तो एक टाइम भी खाया तो भी बहुत हो गया। तो ये बेसिक होता है डाइट, यहाँ से आप स्टार्ट तो करो एटलीस्ट। आप डायरेक्ट सोचोगे कि मुझे सुनीत की जैसा डाइट करना है, मुझे संग्राम मुझे सुभाष सर की जैसा डाइट करना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो हर एक का एक लेवल होता है, उन्होंने भी बेस से स्टार्ट किया है, आज वो वहां पे पहुंचे। So, जैसे आपने अभी कुछ नाम लिए, तो वैसे कुछ और बड़े कोई नाम है जिनको आप फॉलो करते हो या लोगों को फॉलो करना चाहिए, वैसे कुछ नाम बता दीजिए। मैं खुद बाकी सब लोगों को फॉलो करता हूँ, सबसे फेवरेट है मेरे सुहास खामकर सर। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो फेवरेट क्यों है, क्योंकि मैं एक लॉजिकली देखता हूँ कोई भी चीज, और मैं ये देखता हूँ कि वो बंदा है ना जो छोटे से लेके बड़े कॉम्पिटिशन तक एक भी कॉम्पिटिशन नहीं छोड़ता था। ओके, ठीक है। बहुत सारे बच्चे लोग बोलते थे, बॉडी बिल्डर्स बोलते थे, यार ये छोटा कॉम्पिटिशन भी खेलने आ जाता है, हमें भी चांस देना चाहिए। भाई तुम भी मेहनत लो, वो भी मेहनत ले रहा है, तू भी मेहनत ले। भाई उसने सोना नहीं खाया, तू चांदी क्यों खा रहा है, तू भी सोना खा। जिसको जो जमता है वो करो, डाइट करो, अच्छे से वर्कआउट करो। वो मैंने देखा है उनको कि रात को 1:30 से 2 बजे अगर उनका कॉम्पिटिशन खत्म होता है ना, तो उसके बाद में वो ऑन दी वे रस्ते में जिधर भी जिम लगता है, जैसे मेरे दोस्त का प्रशांत चौहान का जिम है थाना में, तो वहां पे जाते थे एक्सरसाइज करते थे, उसके बाद में वो घर पे जाते थे। इतना डेडिकेशन था उनमें, तो वो डेडिकेशन आप में है क्या? तो ये सब सीखने की चीजें, और 9 to 10 years नॉन स्टॉप कॉम्पिटिशन खेलना बहुत बड़ा अचीवमेंट है, वो भी बिना इंजुरी के। तो उन्होंने 10 साल बिना इंजुरी के नॉन स्टॉप कॉम्पिटिशन खेले है, 10 बार नॉन स्टॉप मिस्टर इंडिया लिया है उन्होंने नॉन स्टॉप। मतलब बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स आए और गए, ऐसे बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स है जैसे संग्राम है, तो 1 साल 2 साल खेलते थे फिर 1 साल गैप देते थे। हर एक का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, हर एक का घर से कंडीशन क्या है उसके ऊपर होता है, हर एक के अलग अलग सोच है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो गलत है, वो भी लीजेंड है। जैसे सुनीत है, 7 years नॉन स्टॉप मिस्टर इंडिया खेला उन्होंने, फिर प्रो कार्ड जीता, फिर अभी वो स्विच हो गए प्रो शो के लिए। तो इसे लेजेंड से इनके आप मतलब देखो कि ये कितने साल से खेल रहे विदाउट इंजुरी, वो होता है बहुत बड़ी बात। ठीक है, आप एक कंपटीशन खेलो, बहुत बड़ा नाम कर लो, और फिर बाद में उसको जीरो पे लेके आओ। भाई मिस्टर इंडिया था को वैल्यू नहीं है, अभी क्या है वो मुझे बता। ऐसे तो बहुत मिस्टर इंडिया होके गए, लेकिन अभी क्या हो इसके ऊपर होता है कि आपका आप पास्ट में क्या थे उसको वैल्यू नहीं है, आप फ्यूचर और अभी प्रेजेंट में क्या हो और फ्यूचर में क्या, तो उसको वैल्यू होती है। तो यही बहुत सारे नाम से ऐसे जैसे इंटरनेशनल भी डोरिनियट से बहुत सारे नाम है कि मैं पर्सनली उनको चाहता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, या तो फिर मैं उनको फॉलो करता हूँ, जैसे टीवी कास्टो हो गया, बहुत सारे जो फिटनेस मॉडल्स है, और इंडिया में तो मैंने बताया ये सब नाम। हाँ। तो ये तो लेजेंड है सब। तो अभी हम स्टेरॉइड सप्लीमेंट्स वगैरह के बारे में बात करते हैं, सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्स होते हैं एक शॉर्टकट, मतलब अगर आपने अभी चिकन खाया, बॉइल चिकन 100 ग्राम चिकन खाया, तो वो लीवर में जाता है। ओके। लीवर से डिस्ट्रीब्यूट होता है 2 घंटे के बाद, और डाइजेस्ट होता है 2 घंटे के बाद, 4 घंटे लगते हैं। वही आपने 1 स्कूप प्रोटीन ले लिया, 30 ग्राम प्रोटीन, 1 स्कूप 30 ग्राम का होता है, उसमें आता है 25 ग्राम 27 ग्राम, हर एक कंपनी का अलग अलग होता है। तो वो आपने पानी में डाला, शेक किया और पी लिया, तो आपको 10 मिनट में बॉडी में डिजोल्व होता है, 2 घंटे में डाइजेस्ट, आपके 2 घंटे बच गए। तो होता है ये शॉर्टकट फॉर्म, मतलब क्या है कि आप एक्सरसाइज करने के बाद आपके बॉडी वार्म होती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, और उस टाइम पे मसल रिकवरी के लिए आपको फास्ट फूड चाहिए फटाफट रिकवरी के लिए, तो उस टाइम पे आप प्रोटीन लो एक्सरसाइज के बाद में, तो वो फटाफट रिजल्ट देता है और मसल ग्रो के लिए अच्छा होता है, रिकवरी फास्ट कर देता है। बस यही है, जो प्रोटीन और
चिकन मतलब रॉ में और प्रोटीन सप्लीमेंट में ये फर्क होता है। लोगों को मिथ से कि अरे प्रोटीन लेने से ऐसा हो जाएगा, प्रोटीन लेने से वो हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी, प्रोटीन के साइड इफेक्ट है, आपको फ्यूचर में बहुत तकलीफ होगी। बहुत सारे लोगों का मिथ होते हैं कि आपको बच्चे नहीं होंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, लेकिन ये सब गलत चीजें है, ऐसा नहीं है। प्रोटीन में झूठ बोल रहा हूँ, आप गूगल पे सर्च करो, वहां पे पता चलेगा कि प्रोटीन लेने के साइड इफेक्ट उतने नहीं है जितने लोगों ने बना के रखे है। हाँ, अगर आपकी बॉडी में ओवर प्रोटीन हो रहा है तो स्टोन का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपके बॉडी में ओवर प्रोटीन हो रहा है तो आपको बाकी का नॉर्मल थोड़े से चेंजेस आ सकते हैं बॉडी में। लेकिन वो आप जो बोल रहे हो और बाकी लोग जो बोलते हैं कि नहीं कि ये सब ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो अभी कुछ लोग होते हैं, मैंने देखा है मेरे पहचान में भी ऐसे कुछ लोग जो डाइट प्रॉपर नहीं करते पर सप्लीमेंट बराबर टाइम पे लेते हैं। तो उनके बारे में क्या बोलोगे? तो सबसे पहले तो मैं ऐसा बोलना चाहूंगा उन लोगों को कि 100% अपने डाइट के ऊपर दो। सप्लीमेंट ये शॉर्टकट है, मतलब क्या है कि आपको फास्ट रिकवरी के लिए वो हेल्प करता है, ठीक है, लेकिन मेन होता है आपका रॉ, क्योंकि आप अगर जब तक रॉ नहीं खाओगे तब तक आपके बॉडी में फाइबर्स नहीं आएंगे, तब आपके बॉडी में वो आपका डाइजेशन सिस्टम अपग्रेड नहीं होगा आपका, मतलब आप रॉ नहीं खाओगे और सिर्फ प्रोटीन पी रहे हो, सिर्फ प्रोटीन पी रहे हो तो वो कितना हद तक आपको डाइजेस्ट कर पाएगा? आखिर में टमी है, वो भी आज नहीं तो कल जवाब देगा। उसमें भी आपको पता चलेगा कि अरे नहीं ब्लोटिंग हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हर एक टाइप के अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं। तो इसके लिए रॉ के ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए। रॉ के बाद में मैंने बोला ना कि एक स्कूप या दो स्कूप प्रोटीन ले सकते हो जैसे एक्सरसाइज के बाद, लेकिन रॉ तो जरूरी होता है क्योंकि वहां से प्रोटीन मिल रहा है आपको, फाइबर्स मिल रहे हैं। और स्टेरॉइड्स क्या होता है? स्टेरॉइड्स क्या होता है कि हर एक लेवल को आपको अप करना है, हर एक बंदे को पुश करना है, उस लेवल के आगे जाना है, तो आपको उसकी जरूरत होती है। बॉडी बिल्डिंग बिल्डिंग फील्ड में कोई बोलेगा कि मैं नहीं लेता हूँ, जो नेचुरल एथलीट है वो नहीं लेते, लेकिन वो उस लेवल तक नहीं जा सकते क्योंकि वो रियल फैक्ट है। और जो बोलते कि नहीं मैं ये नहीं लेता वो नहीं लेता, तो सब गलत बोलते, झूठ बोलते, सबको लेना पड़ता है। लेकिन मेरा यही मानना है और नए बच्चों को जो बता रहा है कि जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो स्टेरॉइड्स ने आपको नहीं खाना चाहिए, आपने स्टेरॉइड्स लेने चाहिए। तो वो एक होता है कि बेस होता है आपका, वो स्ट्रांग करो, उसके बाद में पुश करना है तो आपको उसकी जरूरत होती है। लेकिन उसमें भी कैसा है कि आप मिनिमम से मिनिमम लो, आपका डाइट के ऊपर 100% ध्यान दो, आपके रेस्ट के ऊपर 100% ध्यान दो, एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान दो, तो ऑटोमेटिकली जो आपने लिया है वो बॉडी में डिजोल्व हो जाएगा। अदरवाइज एक्सेस और एक्सेस ले रहे हो, आप ज्यादा ले रहे हो, तो अगर आप उतना डाइट नहीं कर पा रहे हो, उतना आप अपने फोकस नहीं कर पा रहे हो अपने रेस्ट के ऊपर नहीं, तो रिकवरी नहीं होगी, इंजुरीज होगी, तो फिर उसका लेके कुछ मतलब ही नहीं है। तो अभी इसमें स्टेरॉइड्स और इसका कुछ परफॉर्मेंस से कुछ रिलेशन है? बहुत रिलेशन है, क्योंकि आप नेचुरल एथलीट को देख लो और एक स्टेरॉइड लेता है वो एथलीट को देख लो, दोनों में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे डिफाइंस होते हैं बॉडी के क्वालिटी में, बॉडी के मसल्स में, बॉडी का जो होता है ना कि प्रॉपर, जैसे देख लो एक बिफोर और आफ्टर के पीक्स डालते कि पहले मैं ऐसा था और अभी ऐसा हो गया, तो वो चेंजेस आपको नेचुरली नहीं मिलेंगे और इंडिया में तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि इंडिया का फूड है ना वो क्वालिटी का फूड नहीं है, मसाला ज्यादा खाते हैं। दूसरी बात तो क्या है, आप जो भी दाल ले रहे हो उसको पॉलिश की हुई है, तो वो नेचुरली कुछ नहीं है आज की डेट में। इसके पहले नेचुरली था बहुत, मतलब एक 15-20 साल पहले, अभी तो बहुत सारा जो होता है कि वो प्रोसेसिंग से निकल के आता है। और क्लाइमेट इंडिया का, बाहर का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, वो टेम्परेचर लेवल उनका बहुत डाउन होता है, यहाँ पे टेम्परेचर लेवल बहुत हाई होता है। यहाँ के फूड में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, यहाँ का कोई भी इंडियन सप्लीमेंट प्रोटीन इंटरनेशनल में सेल नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो इंडिया की लैब से अप्रूव नहीं होता है। तो इंटरनेशनल लैब में कब अप्रूव होगा? इंडिया अपना नाम क्यों खराब करेगी? उसको पता है कि इंटरनेशनल में अप्रूव होने वाला ही नहीं है, वो अपने इंडियन लैब में अप्रूव नहीं हो रहा है, तो इंटरनेशनल में अप्रूव होने के बाद में वो सेलिंग के लिए जाएगा। लेकिन कोई भी इंडियन ब्रांड है वो इंटरनेशनल ब्रांड में सेल नहीं कर पाता है क्योंकि ये चीजें है वो जेन्युइन और क्वालिटी बेस्ड नहीं दे पाता है।
मतलब ये छोटे छोटे फैक्टर्स भी ये फैक्टर्स है, क्योंकि आपको बॉडी में जो रिजल्ट देना है, जो मसल ग्रो करनी है, उसके लिए छोटी छोटी चीजें होती है जो आपके डाइट के ऊपर होता है। जैसे फ्रूट्स हो गए, 12 महीना आपको एप्पल मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन वो कितना जेन्युइन है ये आपको पता होना चाहिए। उसमें वो मेन बोलते ना मोमबत्ती वाला मेन, उसमें डुबो के निकालते, क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग चलता है, उसको आप ऊपर से स्क्रैच करोगे तो पता चलेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है कि वो फूड क्वालिटी नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में फूड क्वालिटी के 100% ध्यान दिया जाता है, उनका क्वालिटी जो बोला हुआ है वही जेन्युइन है, वही उसके अंदर होता है, ये प्लस पॉइंट होता है। इसके लिए उनका वो क्लाइमेट, वो जेनेटिक उनका वैसा है, तो और वो फूड क्वालिटी, इसके लिए वो रिजल्ट अच्छा मिलता है। अपने यहाँ पे अपने को सब्जा वाटर, नारियल पानी, ग्लूकोन डी या तो फिर इलेक्ट्रोल, ये सब पीना होता है गर्मी में, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, उसको हाइड्रेट रखने के लिए। और वहां के बॉडी बिल्डर्स वाइन, शैंपियन, ये सब पी के एक्सरसाइज को जाते हैं, क्योंकि उनका क्लाइमेट ही माइनस में है, वो एकदम 0 डिग्री में, माइनस में है, उनको बॉडी वार्म करनी है तो वो पीते हैं। और अपने को तो बॉडी इतनी वार्म हो रही है, बाहर इतनी गर्मी है, तो अपने को उसको हाइड्रेट रखना होता है, कूल डाउन करना होता है। तो स्टेरॉइड्स का कॉन्ट्रीब्यूशन जैसे फिजिकल अपीयरेंस और स्ट्रेंथ में कितना होता है? बहुत सारा होता है। और क्या क्या एग्जैक्टली फिजिकल अपीयरेंस में क्या डिफरेंस आता है, स्ट्रेंथ में क्या डिफरेंस आता है वो लेने के बाद? फिजिकल में कैसा है कि डिपेंड करता है हर एक की बॉडी के ऊपर, आपका जेनेटिक क्या है, आप कौन से कैटेगरी में बैठ रहे हो, मतलब आपको अगर जल्दी फैट पकड़ रहा है तो वो अलग बात होगी, आपको मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई है, आपको फैट ही नहीं पकड़ रहा है, आप कितना भी चीज खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, तो आपको फैट नहीं पकड़ रहा है। किसी किसी का क्या होता है कि आप एक भाजी चपाती खा लो तभी भी उसका स्किन जाड़ा होने लगता है, उसको फैट पकड़ने लगता है, तो वो सब चीजें होती है आपका मेटाबॉलिक रेट, तो उसके ऊपर डिपेंड होता है। और दूसरा आपने बोला स्ट्रेंथ, तो एक्सरसाइज के टाइम पे उसका डिफरेंस पता चलता है। आप नेचुरली जो लिफ्ट कर पा रहे हो, पुश कर पा रहे हो, वो अगर आप स्टेरॉइड लेने के बाद वो करते हो तो वो आप कम से कम 20-30% अप हो जाते हो, तो उसको लिफ्ट करना ही है। और वो नहीं कर पा रहा है, या तो वो लिफ्ट उसके पार्टनर्स नहीं है वैसे एक्सरसाइज के लिए, और वो नहीं कर रहा है, या तो फिर नहीं करना चाहता है, तो उसने स्टेरॉइड लेना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका एक बेस होता है। अगर आप बॉडी में कुछ ले रहे हो तो आपको उसको उतना 100% रिजल्ट दे के उसको एक्सरसाइज में भी वो मोटिवेशन लाना है, और उतना हेवी लिफ्ट करना ही है। मैं वही बोलता हूँ कि स्टेरॉइड ने आपको नहीं खाना चाहिए, आपने स्टेरॉइड को खाना चाहिए। मेरा यही अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यही आने वाला था कि इसमें किस तरह के रिस्क और साइड इफेक्ट्स होते हैं। हाँ, तो आप अगर एक बिगिनर हो, स्टार्टिंग लेवल पे हो, तो नॉर्मल बेसिकली बहुत सारी चीजें होती है, पर्टिकुलर अभी मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन बोल देता हूँ, मेडिकल पे मेनाबोल टैबलेट आता है जो 2 mg की आती है, स्टार्टिंग में हमने भी उससे स्टार्ट किया था, तो वो टैबलेट आप ले सकते हो 2 mg की, तो एक या दो टैबलेट दिन में आप, मतलब जैसे आप बिगिनर हो तो पहले एक, फिर बाद में 2 टैबलेट, तो इससे आप स्टार्ट कर सकते हो, बेस आपका बेस स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन वही हो गया कि आप अगर थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे जाते हो, आप ओवरडोज ले रहे हो, आप तो उससे लीवर पे प्रेशर आएगा, क्योंकि आप जो भी ले रहे हो लीवर में जाएगा, लीवर से डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, तो लीवर और किडनी पे प्रेशर आता है, तो उसके लिए आपको प्रिकॉशन टैबलेट्स होती है, लीवर सपोर्ट टैबलेट्स होती है, जैसे कि पुणे के डॉक्टर प्रशांत मदने सर है, उन्होंने लीवर सपोर्ट बनाया है, उन्होंने किडनी के लिए टैबलेट्स बनाई है, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनाया है, तो ये मतलब किसा कि ये जेन्युइन रिजल्ट देने वाली जो प्रोडक्ट्स है, आपको पता होनी चाहिए कि ये सच में जेन्युइन है। तो मेडिकल में तो अश्वगंधा, शिलाजीत और बोक्षुरा ये भी मिल जाता है, बच्चे लोग वो लेते हैं कि हम लोग का टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाए, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाए, वो स्टेरॉइड में नहीं आता है, वो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए आता है, और वो लेते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि वो सिर्फ लीवर को सपोर्ट, मतलब लीवर को हार्म कर रहे हैं, क्योंकि वो एक्सरसाइज टैबलेट ले रहे हो सिर्फ, उसमें से कुछ नहीं मिल रहा है। आप अगर उसमें 2-3 दिन टैबलेट भी ले रहे हो तो उसमें से आपको 10-20% रिजल्ट आना चाहिए, तो वो भी नहीं आ रहा है। वो सब उनका एक माइंड गेम है कि नहीं मैंने वो लिया है तो मुझे हेवी मारना है, मेरा बॉडी अच्छा हो रहा है, वो आयुर्वेदिक होता है, हाँ, तो उसके लिए अरे हाँ मेरे को बूस्ट मिल रहा है, तो वो एक बोलते है ना कि तुम आपकी
मतलब माइंड को एक साइकिल होती है कि हाँ मेरे को बूस्ट करने के लिए मैं कुछ ले रहा हूँ, तो आप उससे मोटिवेट होते हैं और हेवी लिफ्ट करते हैं, उससे आपको रिजल्ट भी आता है। अच्छा। क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा है कि मैंने वो लिया उसके लिए मैं हेवी मार पा रहा हूँ, तो आप ऑब्वियसली और थोड़ा सा हेवी डालते हो, फिर डाइट अच्छे से कर रहे हो, तो ये। लेकिन ये पता होना चाहिए कि उनकी क्वालिटी क्या है, वो आपको कितना रिजल्ट दे रही है, आपको उसमें से क्या रिजल्ट मिल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली आप उसके ऊपर ध्यान दो कि आप क्या ले रहे हो और किससे रिजल्ट मिलेगा आपको। तो परफॉर्मेंस एनहांसिंग के लिए स्टेरॉइड्स कितना जरूरी है और उसके अल्टरनेटिव्स में क्या ले सकते हैं? बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आए हैं मार्केट में, लेकिन उसके ऊपर रिसर्च प्रॉपर अभी तक हो नहीं पाया है 100%। जैसे कि शाम से बोलते कि वो अच्छा है बॉडी के लिए और उसमें स्टेरॉइड नहीं है, लेकिन ये अभी तक कोई प्रूफ नहीं कर पा रहा है कि साम्स बॉडी के लिए अच्छा है और उसके रिजल्ट बेस्ट है। क्योंकि आज तक जो भी वो सप्लीमेंट ले रहे तो साम्स का टैबलेट्स वगैरह था, ओरल आता है, आखिर में वही हो गया, लीवर पे सपोर्ट आने वाला है, किडनी पे सपोर्ट आने वाला है, तो वो किडनी पे प्रेशर आता है, लीवर पे प्रेशर आता है, तो साम्स कितना अच्छा है ये अभी तक कोई नहीं बता पा रहा है, क्योंकि उसकी जेन्युइन रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। तो मुझे लगता है कि बाकी अल्टरनेटिव अगर जाने से अच्छा, बाकी टैबलेट्स लेने से अच्छा, अगर आप इस फील्ड में हो, अगर आपको इस फील्ड में फ्यूचर बनाना है बॉडी बिल्डिंग फील्ड में, तो आपको कुछ चीजें है वो लेनी ही होगी। अगर अदरवाइज आपको वो नहीं लेनी है जैसे स्टेरॉइड वगैरह, तो आपको नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करना है। आप 100% फोकस रखो, गोल रखो आपके डाइट के ऊपर, आपके स्लीप के ऊपर, आपके एक्सरसाइज के ऊपर, तो वो कर सकते हो ऐसा। तो ये जो पोजिंग शोज होते हैं, उसे बोलते क्या है पहली बात? देखो हर एक शो अलग अलग होता है बॉडी बिल्डिंग का। जैसे कि अभी एक शेरू क्लासिक हो गया, वो एक बड़ा शो है, बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि वहां पे प्रो कार्ड्स मिलते हैं। तो प्रो कार्ड मिलने के बाद वो प्रो शो खेल सकते हैं, प्रो शो जीतने के बाद वो ओलंपिया में क्वालिफाई होता है और वो एमेच्योर ओलंपिया के लिए जा सकता है। अच्छा। तो वो ओलंपिया के लिए जाना है तो उसको प्रो कार्ड लेना है। तो प्रो कार्ड आप एक तो शेरू क्लासिक का जो शो है वहां से ले सकते हो, दूसरा एक IFBB करके है, जो उनके इंटरनेशनल भी कॉम्पिटिशन होती है वहां पे भी प्रो कार्ड्स मिलते हैं, तो वहां से भी आप ले सकते हो। तो ये कॉम्पिटिशन रियलिटी इसकी क्या होती है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे पॉलिटिक्स भी होते हैं कॉम्पिटिशन में। हाँ, क्या होता है कि कॉम्पिटिशन के टाइम पे जजिंग पैनल में जो बैठे हैं, अगर वो रेफरी उनका खुद का जिम है या तो वो खुद स्टूडेंट्स को रेडी कर रहे हैं, और वो बंदे अगर स्टेज पे आए तो ऑब्वियसली कैसा होता है कि हम हमारा फैमिली मेंबर है या तो फिर हमारा दोस्त है, तो हम भले बाजू वाला बहुत अच्छा हो लेकिन हम क्या करते कि नहीं यार अपना बंदा है, तो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होता ही है, नेपोटिज्म टाइप होता ही है, तो वो वहां पे थोड़ा बहुत देखने मिल जाता है। क्योंकि जजिंग पैनल में जो बैठे हैं उनका खुद का जिम होता है, या तो फिर वो कोचेस होते हैं, वो ट्रेन करते हैं, उनके अंडर बच्चे तैयार होते हैं, और बच्चों को भी पता होता है कि यार यार मैं गधा मजूरी क्यों करूं, अगर मुझे वो ट्रेनर के पास, कोच के पास मैं गया तो जजिंग को बैठता है उसका बेनिफिट मुझे भी होने वाला है, तो फिर वो थोड़ा सा प्लस पॉइंट होता ही है। तो ये सब चीजें, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन नहीं है, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि लेग्स को इतने पॉइंट से, शोल्डर को, बाइसेप ट्राइसेप्स को, ये किसी ने बनाया नहीं कि इतना पॉइंट इसको देना है, क्योंकि हर एक का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, हर एक की बॉडी की सिमेट्री अलग होती है, तो डिपेंड करता है आप कैसे स्टेज पे परफॉर्मेंस दे रहे हो, आपकी बॉडी के मसल कैसे डिस्प्ले कर रहे हो, आप पोजिंग कैसे मार रहे हो, आपका वहां पे आप कितना अपना 100% दे रहे हो, तो वो डिपेंड करता है स्टेज के ऊपर, तो उससे जजिंग के लिए उनको इजी होता है, और थोड़ा बहुत 19-20 तो होता ही हर एक फील्ड में होता है, तो इसमें थोड़ा ज्यादा ही होता है। हाँ। अभी कुछ टाइम पहले जो लिंस्टर करके एक थे जिनका डेथ हुआ, तो उनके डेथ का रीजन आप डिस्कस करना चाहते हैं? हाँ, देखो तो उनका भी, देखो मैंने बोला ना कि ईगो लिफ्टिंग जैसे बिगिनर्स करते हैं, वैसा उन्होंने भी थोड़ा सा ईगो लिफ्टिंग किया, और उनको पता होना चाहिए था कि आप इतना हेवी लिफ्ट कर रहे हो, तो उस टाइम पे पीछे जो सपोर्ट के लिए बंदा होता है ना, वो प्रॉपर होना चाहिए। जो हमसे ज्यादा हेवी लिफ्ट करता है, उसकी कैपेसिटी उस लेवल तक है, वो स्क्वाटिंग मार पाता है, ऐसा बंदा पीछे चाहिए सपोर्टिंग के लिए। क्यों? क्योंकि आप अपने लिमिट को क्रॉस कर रहे हो, आप उतना हेवी लिफ्ट कर रहे हो जिससे आप अगर बैठते भी हो, तो उस टाइम पे उस बंदे को पता होना चाहिए, पीछे वाले बंदे को, कि इसको
कैसे सपोर्ट देना है, अदरवाइज इसको कैसा उसको रैक पे रखना है, क्योंकि वो बंदा एक्सपीरियंस नहीं है उसको, और वो अगर उस लेवल तक उसको लिफ्ट नहीं कर पाएगा तो वो तो इंजरी होनी ही वाली है। और देखा आपने कि जैसा उन्होंने उठाया, पीछे आए, पीछे आने के बाद में उनके पैर लड़खड़ा देते, ठीक है ओवर वेट है तो थोड़ा सा होता है, हम भी ओवर वेट मारते हैं, लेकिन हमारे पीछे जो सपोर्ट के लिए होते ना बंदा वो उस लेवल का होता है। अगर उस लेवल का नहीं है तो आप मत लिफ्ट करो, क्योंकि वो ये होने ही वाला है फिर। और उन्होंने जब भी बैठ गए, पीछे वाला बंदा ने पैर राइट वाला पैर उठाया और वो उठाने गया, लेकिन वो वेट बहुत हेवी था, उससे लिफ्ट नहीं हो पाया और वो बंदा बैठ गया, तो उस पीछे वाले बंदे ने रॉड को पीछे खींचना चाहिए था। हालांकि क्योंकि माइंड में क्या होता है स्क्वाट मारने वाले बंदे को, आगे रैक पे रखना है, तो पीछे वाले बंदे का काम था उसको लिफ्ट हेवी, वो बैठ गया उसको पीछे खींच लो, रैक पे लॉक लग जाएगा और वो बंदा निकल जाएगा, लेकिन वो बैठ गया और आगे झुक गया तो वो गर्दन पे प्रेशर आ गया, गर्दन टूट गई, उसके बाद में उनका डेथ हो गया। बहुत लोग का ये भी बोलना था कि उनका डेथ हार्ट अटैक से होगा, बराबर, क्योंकि उनका नेक गर्दन है ना मसल, हाँ। वो टूट गया, हाँ। उसके बाद में उनको उनके लंग्स और हार्ट में खून बहने लगा और उसकी वजह से उसको हार्ट अटैक आया। तो मुझे तो बहुत मजा आया आपके साथ में बात करके, तो आपका लास्ट मैसेज क्या रहेगा हमारे यूथ के लिए? लास्ट मैसेज यही रहेगा कि आप अगर बॉडी बिल्डिंग फील्ड में आना चाहते हो, अगर इसमें फ्यूचर बनाना है, उसमें करियर करना है, तो आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, धीरे धीरे मसल्स को ग्रो करना जरूरी है। मैंने मेरे 17-18 सालों के करियर में बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स देखे जो आए और गए, मतलब इतने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स है ना, और इतने अच्छे अच्छे बॉडी थी ना उनकी, मैं माइंड ब्लोइंग, मतलब मैं खुद उनको बोलता हूँ कि क्या बॉडी थी उनकी, लेकिन वो 1 साल 2 साल 3 साल कंपटीशन खेले और गायब हो गए। ऐसे कई कई बॉडी बिल्डर है तो बॉडी बिल्डिंग के बीच से भी गायब हो गए, मतलब बॉडी बिल्डिंग फील्ड में भी नहीं है। बहुत सारे बॉडी बिल्डर है, जैसे नाम बताओ, उत्तम सालियन हो गया, एक इकबाल फरीद हो गया, महेश पाटिल है जो भी वापस से कमबैक कर रहे हैं, बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स देखे मैंने कि वो आए और गए, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक है ना पेशेंस वाला गेम है और कैलकुलेशन वाला गेम है, देन उसको आपको धीरे धीरे ही ग्रो हो सकता है। आप अगर कुछ और कर रहे हो, बॉडी को ओवर टॉर्चर कर रहे हो, तो उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत है, फिर आगे चल के जल्दी आप एक्सपायर हो सकते हो। एक्सपायर मतलब ऊपर वाला नहीं, लेकिन ये बॉडी बिल्डिंग फील्ड से एक्सपायर, मतलब यहाँ से आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ इंजरी हो जाएगी, आपको पता है कि फ्यूचर में आप इसको लेके नहीं चल सकते, तो वो सब चीजें होती है। इसके लिए उनको मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप अच्छे से डाइट करो, रेस्ट अच्छे से करो, कम से कम 7-8 आवर्स रात को रेस्ट होनी चाहिए, मील में कम से कम 6-7 मील्स होने चाहिए पूरे दिन भर में, और एक्सरसाइज के टाइम पे 100% फोकस करो, आपका मोबाइल, आपका चैटिंग, आप किसी से बात कर रहे हो, सब अवॉइड करो, 100% फोकस दो। 1 आवर हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, जो भी आप जिम में कर रहे हो एक्सरसाइज, उसको 100% ध्यान देके मसल टू मसल उसको ग्रो करने के लिए देखो, और आपका अचीव आपके सामने रहेगा फिर उस टाइम पे। तो थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए हमें, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैं, मेरा भी खुद का यूट्यूब चैनल है, मैं खुद दूसरों को इंटरव्यू लेता था, आज मेरा भी कोई इंटरव्यू ले रहा है, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी नई चीजें जानने को मिली, नई चीजें सीखने को मिली, तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ये। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपके चैनल पे आके और इंटरव्यू देके, लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपको ये यूट्यूब चैनल बनाने का कॉन्सेप्ट जो भी था आपके दिमाग में, और ये क्यों किया आपने स्टार्ट? तो एक्चुअली क्या है कि ये जैसे ये चैनल स्टार्ट करने का पर्पस मेरा ये था कि अभी ना सोसाइटी में बहुत सारे आइडियाज तो है, क्यूरियोसिटी भी है लोगों में, बट ना बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी है, तो मैं कुछ लोगों, इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ अपने साइड से जितना हो सकता है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितने जो जैसे अलग अलग कैटेगरीज को मैं फोकस कर सकूं, जैसे अभी मैं आपके साथ जैसे बॉडी बिल्डिंग तो अभी जैसे हमने इतनी सारी बातें की, तो बहुत सारी ऐसी चीजें निकल के आई हैं जो लोगों को कुछ गलत नॉलेज है, मिसकंसेप्शन है, मिथ्स है, तो उनके बारे में पता चल रहा है। तो बेसिकली मेरा मेन ये है कि एक अवेयरनेस स्प्रेड करना है, और मुझे भी मेरे चैनल को लेकर ग्रो करना है।
तो गाइज आप मैडम के चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और जल्दी से जल्दी इसको शेयर करो। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करें। थैंक यू।